हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर्स पे। आज आपका ये छठा लेक्चर चलेगा। कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग बताएं थोड़ा सा। कल मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया था, लगभग 3 केस हो गए थे, तो आज उसी से फॉरवर्ड करूँगा। डर मुझे भी लगता था फासला देख कर, पर मैं बढ़ता गया हौसला देख कर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरे सामने मेरा हौसला देखकर। ठीक है, तो आप लोग हौसले के साथ, उत्साह के साथ अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या आए तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से बताते रहिए। आप टेलीग्राम आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट Who want to interested in the crash course, please दे वे लोग जो नंबर रोलिंग आ रहा है आपके वीडियो पे, उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपको क्लास 10th और 12th के लिए क्रैश कोर्स 50 दिन में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज आप यूट्यूब पढ़ते रहिए ऑनलाइन। डेली 6 बजे आपको क्लास लाइव मिल रही है। डेली आपको 6 बजे क्लास डेली लाइव मिलेगा। आप लोग अपना एक टाइम निकाल लीजिए, 6 बजे से आप लोग अपने टाइम खाली रखिए। इस टाइम आप अपने क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए और देखिए, यूनिक टॉपर्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, ये कुछ बातें जो कि कहना ज़रूरी है आप लोग। ठीक है, तो आगे चलें। मैंने कल क्या बताया था, कल मैं इमेज फॉर्मेशन कान के मिरर के लिए बता रहा था, तो मैं 3 केस बता दिया था आपको। ठीक है, आज हम चौथे केस के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए, अगर किसी को तीनों केस में कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें हमसे पूछ लीजिए, हम उसका सलूशन आपको फिर से एक बार उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं केस 4 के बारे में। बात करते हैं केस 4। केस 4 में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? मैंने पहले कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पहले मैंने ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और तीसरा केस लिए हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बीच में। जब मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो आपका इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना। जब मैंने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रखा था तो आपका इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। तो हम ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट द फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। ध्यान सुनिएगा, हम इस बार ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। देखिए कैसे बनता है। मेरे हिसाब से आप लोग ट्राई किए होंगे, कल मैंने कहा था आप लोग घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। कुछ नहीं है, जैसे इमेज फॉर्मेशन बनता है वैसे हम करेंगे। एक मैंने मिरर ले लिया, कान के मिरर के लिए बता रहा हूँ, तो मैंने एक कान के मिरर लिया। यहाँ से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक, अब हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट नाम क्या है? ए बी। अब हम जने जो रूल्स बताए इमेज फॉर्मेशन के लिए, पहला रूल्स लगाइए, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे पास करते हैं। हमें पता है अगर हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो ये आपका फोकस हो गया, ये फोकस पे ही रखे, ध्यान दीजिएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करिए तो इसके एक बार स्केल और पेंसिल का यूज ही करिए, क्योंकि बाय चांस अगर गलत हो गया एग्जाम में तो आप पेन से बनाएंगे रहेंगे तो आपका सब खिचड़ी हो जाएगा उसी में। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया। मैंने ऑब्जेक्ट रखा था इस बार फोकस पे। किस पे रखा था?
फोकस पे, मैंने फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। तो पहला रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल, तो ये पास होगा फोकस से, ठीक। और मैं एक रूल और बताया था आप लोग को, मैंने कहा था कि ये रूल यूज आएगा ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में बात किया था, अगर कोई मिरर है ये है तो ऑब्लिक इंसिडेंस, ये चीज बताया था मैंने। चौथा रूल आपका था, जब रूल्स बता रहा था मैं इस फार्मेसा के लिए, चौथा रूल मैंने क्या बताया था, चौथा रूल क्या था आपका, ऑब्लिक इंसिडेंस, उसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस। अब हम यहाँ वही यूज करेंगे, कौन सा रूल, चौथा रूल ऑब्लिक इंसिडेंस, हमको इसको यहाँ इंसिडेंट कराएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए यार आप लोग जो रे बनाइए सीधा बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर रे सीधा बनाएंगे तभी कुछ आपका अच्छा बनेगा। क्योंकि रे का सीधा बनना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने पहला रे ऑफ लाइट कहां प्रिंसिपल से पहले ले गया, तो आपका फोकस से ही पास करेगा, मैंने ऑब्जेक्ट को ए बी फोकस पर रखा था, पहला रे ऑफ लाइट मैंने प्रिंसिपल से पहले ले गया तो फोकस पास किया, इसके बाद मैं ऑब्लिक इंसिडेंस कराया तो ये आपका एंगल बना के सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गया। हम देख रहे हैं कि ये आपकी लाइन पैरेलल जा रही है और हमें पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे कट नहीं करेंगे कर रही हैं, हमें पता है अगर दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को पैरेलल पास कर रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो कहाँ मिलेंगी, एट द इन्फिनिटी पे, कहाँ मिलेंगी, एट इन्फिनिटी पे। आप लोग जानते होंगे अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है इसका मतलब कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। अगर पैरेलल यहाँ देखें पहले रे ऑफ लाइट जा रही है इसका मतलब कहाँ मिलेंगी दूसरे से, इनफाइनाइट मिलेंगी। इनफाइनाइट कहने क्या आशा है, इनफाइनाइट कहने की आशा है कि जो आपका इमेज बनेगा, देखिए जो आपका ये ध्यान सुनिएगा, इनफाइनाइट कहने की आशा नहीं कि आप इमेज को देख नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट कहने की आशा जो आपका ये मिरर है, मान लीजिए मिरर 4 सेंटीमीटर का है और आपका इमेज बन रहा है 10 मीटर पे, एज कंपेरिजन टू दिस दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो दिस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। इन्फाइनाइट करने की आशा नहीं कि अगर आप फोकस पे रखते हैं, आप कैमरा यूज करते हैं, देखिए फोकस करते हैं तो फोकस रखते हैं तो आपको इमेज दिखाई देता है, अगर फोकस पर रखते हैं इसका ये मतलब नहीं कि इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट करने की यहाँ इतना ही आशा है कि आपका मिरर अगर 4 सेंटीमीटर है तो आपका ये जो इमेज बनेगा 10 मीटर, 10 मीटर मतलब समझते हैं, ये 4 सेंटीमीटर 10 मीटर मीन्स 10,000 सेंटीमीटर, एज कंपेयर टू दिस दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। हम समझ लेंगे उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कह देते हैं। तो ये कहीं जाके यहाँ पे इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट कहाँ है आप लोग जानते ही हैं, कहीं जाके ये यहाँ पे मिलेगा, ये व्हाइट बोर्ड के बाहर कहीं जाके इनफाइनाइट पे मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी, आपका इमेज कहाँ बना है, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे आपका इमेज बन रहा है, कैसा है ऑब्जेक्ट के जिस साइड मिरर रखा है उसी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन रहा है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आप लोग इसको ना बनाइएगा, ये चीज़ ना बनाइएगा, ठीक है, केवल आप कितना बनाएंगे, देखिए बार बार मिट जा रहा है, देखिए ऑनलाइन है थोड़ा, ये आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा क्या है, ये इन्फिनिटी बन गया, रियल इन्वर्टेड बन गया, और क्या, हाईली मैग्नीफाइड। अब इमेज इनफाइनाइट बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, तो कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, ध्यान दीजिए। अब एक चीज आप देख रहे हैं, ये समझ गए, ये कंडीशन सबको आ गया, अगर हम कभी भी इमेज को ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो पहले रूल हम क्या यूज किए, प्रिंसिपल से पहले ले गए तो आपका फोकस से पास हुआ, दूसरा हम ऑब्लिक इंसिडेंस कराए तो ये गया। तो हम देख रहे हैं दो रे ऑफ लाइट पहले जा रही हैं,
अगर दो अफेरियल पैरल जा रहे हैं इसका मतलब कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट मिलेंगी। इनफाइनाइट कहने क्या से मैंने बताया कि मिरर की लेंथ बहुत छोटी है, एज कंपेरिजन जो इमेज बन रहा है बहुत दूर बन रहा है, इमेज हमें दिखेगा लेकिन बहुत दूर बन रहा है, इसीलिए मिरर की लेंथ इतनी छोटी है एज कंपेरिजन डिस्टेंस ऑफ द इमेज, जहाँ डिस्टेंस बना है इसलिए हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर हुआ? एक्चुअली में इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट कहने का ऐसा ये है कि मिरर के जो लेंथ है बहुत छोटी है, उसके कंपेरिजन जो डिस्टेंस है आपका इमेज की वो बहुत दूर है। इनफाइनाइट कहने का इसका हमें दिखेगा नहीं, लेकिन नहीं इमेज हमें दिखेगा, इनफाइनाइट कारण वही है जो बताया अभी। समझ में आ गया? आगे चले, अब आगे चलते, एक चीज आप फील कर रहे होंगे मैं बताता हूं, आगे चलता हूं। अब जो केस आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, पहले ध्यान सुनिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए हमको एक चीज बताइए, मैंने पहले आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमें एक चीज बताइए, मैंने जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा था तो आपका इमेज कहाँ बना था? यहाँ बना था, छोटा बना था। ध्यान सुनिएगा, जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच रखा तो आपका इमेज यहाँ बना। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक जा रहे हैं, क्या जैसे जैसे हम मिरर के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे आपका इमेज का दूर बन रहा है। इनफाइनाइट जब बन गया अब इसके बाद कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट के बाद कोई स्थान तो है नहीं, इसके बाद बिहाइंड द मिरर बनेगा। अभी अगला केस आएगा मैं बात करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप फील कीजिए कि जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं मिरर के आपका इमेज दूर जा रहा है, और जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं आपका इमेज बड़ा बन रहा है। अभी बात करता हूं, अब हमें कौन सा केस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे आपका इमेज दूर जा रहा है, और जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं वैसे जैसे इमेज की साइज बड़ी हो रही है। ठीक, इस चीज को देखिए, रटने को कोई भी रट सकता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए वहां बनेगा, फोकस रख दिए इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन आप समझिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है इसमें, रटने कोई भी रट सकता है। मैं मानता हूं आप तीन चार बार पढ़ेंगे, तीन चार बार याद करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे तो आपको रट जाएगा, लेकिन ये चीज समझिए कि कैसे इमेज कैसे हम नजदीक जा रहा है इमेज के, इमेज आपका दूर भाग रहा है, अगर दूर भाग रहा है तो हमें इमेज बड़ा दिख रहा है, ये सब चीजें समझना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है आज का, जान लीजिए आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है जो मैं बताने जा रहा हूं, एग्जाम में 100% लिख लीजिए ये वाला केस क्या है आपका। इस केस में हम बात कहां करेंगे, आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना स्टार जानते हो लगा लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इमेज फॉर्मेशन का, हर बार यही पूछा जाता है एग्जाम में। ऑब्जेक्ट कहां रखा इस बार, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ध्यान सुनेगा, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, फोकस और पोल के बीच में, ध्यान सुनेगा ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहाँ गया भाई, ये आ गया भाई, ध्यान सुनिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए मेरे कान के मिरर बना लिया, इस चीज को बहुत ध्यान सुनिए बच्चों, सेंटर आपका कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया। इस बार हम कहां रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहां पे रख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा।
अब सही है। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, थोड़ा पतला रहेगा सही रहेगा। अब देखिए पाला रहे क्या रूल यूज करेंगे, पैरेलल ले गए हम, ये आपका कहाँ से पास करेगा, फोकस से होकर पास करेगा। ध्यान दीजिएगा पैरेलल ए ऑब्लेट को हम पैरेलल लेगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास किया, फोकस पास किया। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, या तो ऑब्लिक इंसिडेंस करा दें, या तो सेंटर आप कर्वेचर से ले जाए पीछे करके। हम ऑब्लिक इंसिडेंस कराते हैं ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसका भी यूज करना चाहिए, अगर उसको पढ़े हैं ऑब्लिक इंसिडेंस तो उसका यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा ये आया ये गया, ठीक। दो मैंने दो रूल्स यूज करना था, पहला रूल क्या यूज किया मैंने, प्रिंसिपल। ध्यान सुनिएगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे तो मैं दो बार बता दूंगा इस चीज को, लेकिन इस चीज को आप अच्छे से कीजिएगा। मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट मैंने ए बी लिया, ठीक। अब मैंने पहला रूल क्या यूज किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रे पास किया, ये कहाँ से गया, फोकस हो गया। दूसरा क्या यूज किया मैंने रूल्स, ऑब्लिक इंसिडेंस का यूज किया, ऑब्लिक इंसिडेंस जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। आप देख रहे हैं अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ये क्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर जब कभी नहीं मिलेगा तो हमको ये पीछे कहीं मिलेगा, पीछे तो कहीं मिलेगा। हमें यहां इमेज मिल रहा है, कहां मिल रहा है, यहां इमेज मिल रहा है। ध्यान सुनिएगा आपका इमेज यहां बनेगा। आप देखिए मैंने जब फोकस का केस लिया था आपका इमेज इन्फिनिटी बन गया था, अब इन्फिनिटी के आगे तो कहीं इमेज बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है आपका इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। तो हम देख रहे हैं वैसे भी अगर देखा जाए तो डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये कहीं एक दूसरे को जब कट ही नहीं करेंगी तो आपका इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था इमेज वहीं बनता है जहां दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करती हैं। तो हमने क्या किया, इसको मैंने रे ऑफ लाइट को पीछे बढ़ाया, तो हम देख रहे हैं मिरर के पीछे जाके एक स्थान पर कट कर रही है, यहाँ आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। समझ में आया, एक ही है, एक ऐसा केस है, केवल एक केस ऐसा है, क्यों पूछता है, इसका कारण भी है। और आप देख रहे हैं मैंने जितना केस के बारे में बात किया सब में आपका इमेज कहाँ बन रहा था, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड इमेज बन रहा था, लेकिन एक केस ये ऐसा है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ बना आपका, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, या यू कैन से इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, Inside the mirror। और कैसा बन रहा है इस बार, देखिए इस बार जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उस जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड इमेज नहीं बना है, इसका मतलब अब देख भी रहे हैं आपका इन्वर्टेड है, इसका मतलब सॉरी इन्वर्टेड कर रहा हूं, आपका ये इरेक्ट है, मतलब सीधा इमेज बन रहा है। तो इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब क्या, बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब आप स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे आपको इसको प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज द नॉट द रियल इमेज, दिस इज द वर्चुअल, आभासी है, आप इसको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अच्छा बिहाइंड द मिरर का आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, कभी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी एग्जाम में आ जाए, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है वो इन्वर्टेड बनेगा, अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट इमेज होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यू कैन से या मैग्नीफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दोनों कर सकते हैं आप लोग, लार्जर देन ऑब्जेक्ट या और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी कर सकते हैं। अभी मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा आगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी साइज कितनी बड़ी है इस कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो अभी उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, एक या दो लेक्चर के बाद शायद आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। मैंने फिर से बता दे रहा हूँ बार आप लोग को, मैंने ऑब्जेक्ट की बार फोकस और पोल के बीच में रखा, पावर रूल यूज किया कि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट ले गया,
इसके बाद आपका फोकस से पास हुआ, दूसरा रूट क्या यूज किया, ऑब्लिक इंसिडेंस कराया और मैंने इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करा दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड आपकी इमेज कहीं एक दूसरे से मिलेगी नहीं, ये डाइवर्जिंग रेज है। देयरफॉर हमने इसको पीछे बढ़ाया, रे ऑफ लाइट को हम देख रहे हैं मिरर के पीछे एक स्थान पर मिल रही है, वहां मैंने आपका इमेज बना दिया। इसका मतलब ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये आपका वर्चुअल बनेगा क्योंकि हम लोग इसको स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, और ये आपका इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ऑब्जेक्ट इनसाइड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्निफाइड बनेगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या? इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार अगर एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि आपका कल एग्जाम है, तो आज रात को अगर किसी पे ज्यादा फोकस करना है तो इस केस पे ज्यादा फोकस करना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो आपका इमेज कहाँ बनता है। क्लियर? आगे बढ़े, अब हमें पढ़ना है कैनवस का केस। ये आपका हो गया कान के मिरर का, जितने इमेज फॉर्मेशन थे मैंने, जितने केस हुए ना, एक केस और आपका बाकी, मैं बता रहा था पैरेलल रे ऑफ लाइट वाला जो पहला केस है ना उसको बात करते हैं, ध्यान सुनेगा। एक केस रह गया, इसके बाद कैनवस बात करते हैं, उसके बारे में ध्यान सुनेगा। किसी कोई समस्या हो आप लोग हमें बताते रहिए। ध्यान सुनिए, ये आपका पहला केस था, मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में जब मैं इमेज फॉर्मेशन बात कर रहा था कि इसको हम लास्ट में बात करेंगे। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान सुनिएगा। मैं क्यों लास्ट बताऊं, इसका कारण बताता हूं, मैंने क्यों इसको लास्ट बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, हम इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहला दूसरा केस मैंने लिया था पहले कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बियॉन्ड क्या, इन्फिनिटी तो आएगा। जो पहला केस बताया था इमेज फॉर्मेशन, पहला केस ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जब पहला केस बता रहा था, मैंने कहा था अभी पैरेलल और छोड़े रहिए, उसको मैं बाद बताऊंगा। क्यों बाद बताऊंगा? फील लेने के लिए। कौन सा फील लेने के लिए भी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो कैसी रे ऑफ लाइट जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक। और पैरेलल रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, रे ऑफ लाइट आप सही बनाइएगा, इसको ऐसे ले जाइएगा, ठीक। अभी रब करूंगा तो सब मिट जाता है, यही दिक्कत होती है थोड़ा सा, तो मैं एक बार देख लेता हूं। चलो सही हुआ थोड़ा सा, ये आपका फोकस है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग सही से बनाइएगा भैया। मेरा मेन कॉन्सेप्ट समझाने का है, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं। मैंने रे ऑफ लाइट पहले ले गया, आप जाइए कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो मतलब रे ऑफ लाइट पहले लाएंगी, रे ऑफ लाइट पहले लाएंगी तो आपको कहाँ से पास होगी, फोकस पास होगी। तो मैंने फोकस से पास किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आपका इमेज इन्फाइनाइट रखा है तो इमेज कहाँ बन रहा है, आपका फोकस पे बन रहा है, फोकस पे, इमेज फॉर्मेट फोकस। दूसरा क्या, रियल इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनी है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस क्या है आपका, कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, कैसा, बहुत छोटा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब ध्यान दीजिए, अब आपको फील, क्यों लास्ट बताया, आप बात करते हैं कि क्यों मैंने इसको लास्ट बताया, ध्यान सुनिएगा, अब मजा आने वाला है, ध्यान सुनिए। अब देखिए, एक नया पेज ले लेता हूं मैं, पीछे हो गई, हाँ ठीक है, सही है। देखिए ध्यान सुनिएगा बच्चों, रट ले तो अलग बात है, लेकिन एक बार समझ भी ले ज्यादा मजा आ जाएगा आपको, फील ले लेंगे आप एकदम से। देखिए आप जो पहला केस है, मैं वहां से आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने का मतलब है फील दिलाने। अब देखिए, जब आपका इमेज पहले रखा गया था, पहले रे ऑफ लाइट था, तो आपने देखा इमेज आपका बहुत छोटा बन रहा था, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। आप देखिए, ध्यान सुनिएगा, पहले केस में मैंने कहा रखा था रे आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल पे, अब पूरा बात करता हूं, पहले केस में मैंने कहा रखा, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी, मतलब इनफाइनाइट पे रखा था, तो आपका इमेज
बहुत छोटा बन गया। इसके बाद हमने कहा रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका इमेज थोड़ा बड़ा हुआ। जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरे केस में क्या हुआ, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो सेम साइज, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड आपका उसी साइज में आपका इमेज बन गया। इसके बाद हमने फोकस पर रखा, आपका इमेज इनफाइनाइट बन गया, बढ़ गया। इसका मतलब अगर हम फोकस, इसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे इमेज, आपका बिहाइंड द मिरर बन गया। ध्यान सुनेगा, अगर हम यहां चलते हैं फोकस पर रखे, सॉरी फोकस और पोल के बीच रखे तो बिहाइंड द मिरर बना। फोकस पर रखे कहां बना, इनफाइनाइट पे। ध्यान सुनेगा, फोकस पर रखे इनफाइनाइट बना, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे तो कहां बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। अगर हम यहां से, मान ये आपका है यहां से, अगर इसके हम लेफ्ट जाते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट जाने पर आपकी इमेज की साइज छोटी हो जाती है। इसी कारण क्या होता है, जब हम लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट में सबसे लास्ट केस आता है पैरेलल, और पैरेलल हम देखते हैं आपकी इमेज की साइज सबसे छोटी हो जाती है, हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है। अगर हम यहां से राइट जाते हैं तो हम देखते हैं इमेज की साइज बड़ी हो जाती है, इसीलिए जब फोकस जाते हैं हम देखते हैं आपका इमेज इनफाइनाइट बनती है। फिर आया कुछ, इसीलिए मैंने पहले रे को लास्ट बताया था कि अगर हम राइट की तरफ जाएंगे आपका इमेज की साइज बड़ी होती जाएगी, अगर हम राइट से लेफ्ट तरफ आएंगे आपकी इमेज साइज छोटी होती जाएगी। क्लियर हुआ इमेज फॉर्मेशन? ये इसलिए बता देते हैं कि आपको रटना ना पड़े, दिमाग पर है कि हाँ वाकई इमेज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो यही चीज आपको काम देगी, जो आप रटे हैं वो काम नहीं देगा। इसीलिए बताता हूँ कि ये सब चीजें को अगर दिमाग के नोट किए रहेंगे कि हाँ कैसा क्या हो रहा है केस, तो आपको दिमाग में क्लियर रहेगा, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी इस चीज का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, अभी तो आप डायरेक्ट रट लेंगे, ठीक है रट लीजिए नंबर मिल जाएगा, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसी चीज का मजा है। आगे चलते हैं, अब हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें एक ही केस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कलर ले लेते हम लोग, कब से इसी से लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान सुनिएगा, इसमें एक ही केस है आपका, इसमें आपका रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जो बल्ब सरफेस है आउटर वहां से रिफ्लेक्शन होगा। इसी चीज को इस सब वीडियो में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि कहां से रिफ्लेक्शन होना है कॉन्वेक्स में, कहां से कॉनकेव में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लिख देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं आपका जब आपका स्फीयर इधर बना है तो भैया कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर हो जाएगा। होती है गलती बच्चों, आप लोग समझेंगे तब, जब आपसे गलतियां हो जाएंगी तब, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जब स्फीयर आपका इधर से बन रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, मैंने कभी बार देखा, बहुत बार देखा है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे रख देंगे, लेकिन आपका जब मिरर इस स्फीयर से बन रहा है कि स्फीयर तो इधर ही बनेगा, इधर स्फीयर बना देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इधर ही रहेगा। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखा करिए। ठीक, ध्यान सुनिए, इस बार ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए। ठीक, तो पहला रूल यूज करता हूं मैं, क्या प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गया तो हमने बताया था यहां से क्या होगा डाइवर्स। फिगर सही बनाएगा थोड़ा आप लोग, देखिए मैं यहां मान लीजिए यहां रखता हूं, इसको बढ़ाएंगे कहां जाएगा फोकस पे, मैं क्या कह रहा हूं देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है। मैं पहला रूल क्या यूज किया कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल पास किया तो ये डाइवर्ज हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डाइवर्जन होता है। तो हमने देखा कि ये जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे देखेंगे यहाँ फोकस यहाँ मिलेगा ये। अब इसी प्रकार अगर हम
यहाँ से एक सेंटर आपको, जब मान लीजिए यहाँ है आपका सेंटर, आप कर्वेचर के लिए ले जाते हैं यहाँ से, तो देखेंगे कि ये चीज, इसको डैश से बनाइएगा थोड़ा। सेंटर आप करो जब ले गए, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली होता तो है नहीं, अब देखिए ये गया यहाँ से टकराया, तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आपकी आई है। कहाँ से आई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मैंने पहला रूल यूज किया कि सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ले गया तो ये डाइवर्स हो गया, आपको लग रहा है कि ये फोकस आई हुई है। दूसरा रूल क्या यूज किया मैंने, मैंने बताया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट आती है, तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जा रहा था तो ये उसी साइड में वापस आ जाएगी, क्योंकि ये अपीयर टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा आपको प्रतीत होगा, एक्चुअली होगा नहीं, अपीयर टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम देखेंगे आपका इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा। क्लियर हुआ? आपका इमेज कहां बनेगा? इधर साइड बनेगा। तो हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसकी, इमेज सॉरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इमेज इज इनसाइड द मिरर, इमेज इज इनसाइड द मिरर। ठीक, दूसरा क्या है? इमेज इज इनसाइड द मिरर। दूसरा क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है अगर उस साइड इमेज ना बने तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन जाए तो हमेशा कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। हम देख रहे हैं कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड इमेज बना है, तो याद करने के लिए सिंपल सी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, इमेज कहां बना? इमेज इज इनसाइड द मिरर, और कैसा बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा क्या? डिमिनिश्ड बना, छोटा इमेज बना, डिमिनिश्ड लिख दीजिए या लिख दीजिए स्मार्ट देन ऑब्जेक्ट, व्हाट यू वांट यू कैन राइट, चाहे आप डिमिनिश्ड लिख दीजिए चाहे आप लिख दीजिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एक ही केस था, अगर कहीं भी आप यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इमेज ऐसा ही बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी यही होगी। तो मेरे हिसाब से आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपका इमेज फॉर्मेशन है। कभी कभी आपको ज्यादा ज्यादा इमेज फॉर्मेशन तीन नंबर पूछा जाता है उसके प्रॉपर्टी लिखने के बारे में, और ज्यादातर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और एक चीज बता दें आपको कि आप वीडियो आप डेली शाम 6 बजे अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमें इसी टाइम वीडियो को देखना है, 6 बजे डेली आपका वीडियो आपको लाइव दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कल मिलते हैं आपसे इसी टाइम 6 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।